हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वैकेंसी फाइनेंस अकाउंट्स के लिए लेकर आया हूं। आपने पिछला मेरा वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने बताया था कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में वैकेंसी निकली हुई है यंग प्रोफेशनल की, जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस थी, बट पेमेंट वहाँ पर अच्छी खासी थी। तो आप वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जो आई बार है वहाँ पर जाके। और मैं आइए इस वैकेंसी के बारे में बात करता हूँ आपसे। ये MMTC लिमिटेड जो PSU है उसमें निकली हुई है। तो इसमें डिप्टी मैनेजर लॉ, मार्केटिंग, फाइनेंस अकाउंट्स एंड राजभाषा, इन पोस्टों के लिए निकली हुई है, जिसकी जानकारी मैं आज आपको बताऊंगा। और कैसे अप्लाई करना है, कहां जाके अप्लाई करना है, आप कैसे रिक्रूटमेंट की पूरी एडवर्टीजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं, वो सब मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं और वहाँ से डायरेक्टली आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूँ एक करके। ये रिक्रूटमेंट आज ही पोस्ट हुई है 1 तारीख को, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें बताया गया है सारे प्रोफेशनल्स के लिए है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट मीन्स ये एग्ज़ाम के थ्रू होगा और आपका एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद इंटरव्यू, GD जैसा भी होगा वो आपको देना होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल पोस्ट आपको जो है 26 हैं ओवरऑल मिला के, डिप्टी मैनेजर्स के लिए ही सारी पोस्टें हैं। तो पहला जो दिया हुआ है डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग 10 पोस्ट हैं, उसमें क्वालिफिकेशन दी गई है 6 पोस्ट जो हैं अनरिजर्व के लिए, 1 SC के लिए एंड 3 OBC के लिए। ऐसे ही फाइनेंस एंड अकाउंट्स का है डिप्टी मैनेजर, जिसमें 10 है 6211। तो मैं इसके बारे में आपसे बात करूँगा। और ऐसे ही लॉ मैनेजर, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं मार्केटिंग है, लॉ है राजभाषा में, तो आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी इस वैकेंसी का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें और भरें और एग्ज़ाम क्लियर करके इस अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन में आएँ और अपना कंट्रीब्यूशन करें। तो आइए मैं पहले बात करता हूँ डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स की, जो हमारे CMA CLO के लिए, क्योंकि मैं भी एक CMA हूँ। सो मैं पहले इनकी बात करता हूँ कि डिप्टी मैनेजर फाइनेंस अकाउंट्स, जिसमें 10 पोस्ट हैं, इनकी बेसिक पे है 40 से 1,40,000। पहले ये प्री रिवाइज थी 16,400, अब वो रिवाइज हो चुकी है, यहाँ पे अप्लीकेबल भी हो चुका है, तभी यहाँ पे 40,000 की पेमेंट दिखाई गई है। और यहाँ पे जो आपकी एज लिमिट बताई गई है, वो एज लिमिट 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन है बाकी OBC और SC ST के लिए, जो नॉर्मली उनके लिए अवेलेबल होता है। तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो इन्होंने दी हुई है, वो क्वालिफ़िकेशन है कि बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, एंड यहाँ पे एंड वर्ड है, मतलब आपको बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए किसी, और CA और CMA का क्वालिफाइड डिग्री होनी चाहिए। एक्सपीरियंस के बारे में ये यहाँ पे डिजायरेबल है बट नॉट इसेंशियल, मतलब आवश्यक नहीं है। आपके पास है एक्सपीरियंस तो कोई बात नहीं, थोड़ा उसका लाभ मिल सकता है आपको इंटरव्यू के टाइम पर। और ऐसे ही लॉ के लिए है 3 पोस्ट। तो ये मैंने बताया आपको 10 पोस्ट हैं जो फाइनेंस अकाउंट्स के लिए, इसके लिए आपको एग्ज़ाम देने होंगे। तो एग्ज़ाम में वही पैटर्न है, सारे आपने जो बेसिक्स पढ़े हुए हैं 11th से लेके CA CMA तक, सारे वही आएंगे। टैक्स लॉ आपके फाइनेंस अकाउंट्स से रिलेटेड, एंड FM फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट्स, इन सबसे बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो नॉर्मली होते हैं, प्रिंसिपल एंड बेसिक्स, AS हो गए, IND AS हो गए, GST जो कि नया एक आया हुआ है अभी, उससे भी पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए और एग्ज़ाम दीजिए और इसका लाभ उठाइए। सो जैसा कि मैंने बताया, ये MMTC लिमिटेड है, तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह लॉ के भी हैं, वहाँ भी एज सेम दी गई है। यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है 2 साल का, जो कि एज ए प्रैक्टिस एज ए लॉयर और सम कुछ भी है, ये लॉयर जिन्होंने किया होगा वो अच्छे से पढ़ के जान सकते हैं। ऐसे ही राजभाषा का भी है कि उन्हें भी डिप्टी मैनेजर राजभाषा के लिए, वहाँ पे मिनिमम एक्सपीरियंस 3 साल का है। और लेकिन फाइनेंस अकाउंट्स के लिए कोई एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे ही आपको मार्केटिंग के लिए भी रिक्वायर्ड नहीं है, जिसके लिए बैचलर डिग्री इन कॉमर्स साइंस, और इतना ध्यान दीजिएगा यहाँ पे बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए मार्केटिंग के लिए, और PG डिग्री भी। सेम इसी तरह है फाइनेंस अकाउंट्स के लिए, डिग्री प्लस CA CMA, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मिनिमम दिया गया है कि आपका ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में जो हो वो 60% होना चाहिए। और CA CMA के लिए खास बात ये होती है कि यहाँ पे हमेशा नॉर्मली जो
ट्रेंड है वहाँ पे क्वालिफाइड ओनली चाहिए होता है, उसके लिए कोई परसेंटेज नहीं मांगा गया है। यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं SC ST को 5% का, और फुल टाइम रेगुलर। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात है नोट का पॉइंट नंबर 3, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी जो डिग्री होगी वो रेगुलर होनी चाहिए, चाहे वो PG की हो या आपकी UG की हो, तो वो रेगुलर होना चाहिए तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा। और यहाँ उसके बाद है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस है कि आपका एग्ज़ाम होगा, GD और इंटरव्यू दोनों में से कुछ भी हो सकता है, और नंबर ऑफ क्वालिफाइड इन रिटर्न पे डिपेंड करेगा, जो कि GD और इंटरव्यू होगा। उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, जो लिस्ट आएगी उन लोग को पोस्टिंग दी जाएगी, और ये पोस्टिंग ऑल ओवर इंडिया बेस्ड है। सो भरते समय आप काफ़ी थोड़ा माइंड सेट करके भरिए कि हाँ मुझे जाना है कहीं भी, अगर कंपनी ने सेंड किया मुझे ज्वाइनिंग के लिए। तो यहाँ पे फिर कंपनसेशन की बात की गई है, कंपनसेशन पैकेज यहाँ पे बताया गया आपको सारा DA HRA पर्क्स अलाउंस जो नॉर्मली सारी कंपनी में मिलती है वही है, बट जो बेसिक है वो 40,000 है। अगर इस पे आप जाएंगे तो मैक्सिमम पर्क्स अलाउंस भी आपको ऐड किया जाए तो 35% है नए हमारे PRC के हिसाब से, जो पे रिविजन है उसके हिसाब से 35% है, तो मैक्सिमम भी देंगे तो आपके ग्रॉस जो है 67-68 के अप्रॉक्स बन जाएगी, कट पिट के आपको जो भी है टैक्स वक्स जो भी करते होंगे कंपनी नॉर्मली वो कट के मिल जाएंगे आपको 55-60। सो और यहाँ पे कुछ कंडीशंस दी गई हैं वो आप देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे लास्ट डेट जो बताई गई है एप्लीकेशन की वो 24 अगस्त 2018 है, तो आप ध्यान रखें इस चीज़ का, और जितना जल्दी हो उसको आप फिल करें एंड सेंड कर दें। यही सारी जानकारी आप इसको वन बाय वन पढ़ सकते हैं, सारा मैं बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो ये बेसिक जो जानकारी थी, क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या है, कैसे है, आपको बताया गया। यहाँ पे एक प्लेन 11 बताया, आउट स्टेशन कैंडिडेट कॉल्ड फॉर इंटरव्यू विल बी रिइंबर्स्ड टू एंड फॉर, मतलब आप अगर आउट स्टेशन जब इंटरव्यू होगा आपका तो वहाँ पर आपको आपका टिकट का रिइंबर्समेंट किया जाएगा सेकेंड AC तक के लिए, शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट होंगे इंटरव्यू के लिए उनके लिए किया जाएगा। और वर्किंग कैंडिडेट जो भी होंगे अगर उन पार्टिसिपेट करते हैं और क्वालिफाई कर जाते हैं तो इंटरव्यू में आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेके आना होगा, अदरवाइज इंटरव्यू में से आपको नहीं देने से रोका जा सकता अगर आपके पास नहीं होगा। बाकी सारी प्रोसीजर आपको पता ही होगा, यही सारी होती हैं, बाकी आप कर सकते हैं। यहाँ पे बताया गया कैसे अप्लाई करेंगे, तो आपके पास 10th के सर्टिफिकेट होने चाहिए, मार्क्स सर्टिफिकेट जो भी है आपका, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, और फीस जो है 500 नॉन रिफंडेबल है, मीन्स आप ये रिफंडेबल नहीं होगा अगर आप नहीं भी जाते हैं तो भी। और आपको ये जो भेजना है इस एड्रेस पे, आपको डिमांड ड्राफ्ट के साथ भेजना है एप्लीकेशन MMTC के हेड ऑफिस जो कि लोधी रोड पे है वहाँ पे। इस पर ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है, तो आपको जो है एप्लीकेशन हार्ड फॉर्म में भरना है, पहले ड्राफ्ट बनाना है कंपनी के नाम पे उस 500 का, उसके बाद जो सारे सर्टिफिकेट्स हैं वो भर साथ में सेल्फ अटेस्टेड करके भेजने हैं। और यहाँ पे ये नीचे आपको फॉर्म दिया हुआ है कि आपका क्या क्या जानकारी देना है यहाँ पे, तो सारा फिल करके आप इजीली भेजिए, कोई दिक्कत परेशानी है। सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके पास जो जो मांगा गया है वहाँ पे, वन बाय वन ये 12 पॉइंट है आपको फिल करने हैं और सेंड कर देने हैं। उसके बाद ये रिटर्न टेस्ट कब होगा, कैसे होगा, सारी जानकारी आपको आपके मेल या मोबाइल नंबर पे उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप वहाँ से लेकर अपना दे सकते हैं। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने ऐसे दोस्तों को शेयर करिए जो इस क्वालिफ़िकेशन को, जिनके पास मतलब क्वालिफ़िकेशन है ये, उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो इस वैकेंसी का लाभ उठाएँ और इसको फिल करें, वहाँ पार्टिसिपेट करें और अच्छा परफॉर्म करके सलेक्शन उनका हो। तो और अभी एक और भी मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उसको भी आप देख सकते हैं, वहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में 80 पोस्ट आए हैं CA CMA और CS के लिए, तो आई बटन पे जाके वहाँ से आप देख सकते हैं उस वीडियो को। तो इसके देखने के लिए धन्यवाद, और ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मैं ऐसे ही वीडियो पोस्ट करते रहूँगा जो वैकेंसी आएगी CA CMA से रिलेटेड, और अदर पोस्टें भी होंगे तो उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।